खबर गाजियाबाद के मोतीनगर थाना क्षेत्र के निवाड़ी रोड चौक से है, जहां पुलिसकर्मी द्वारा युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बबलू ने बताया कि वह ठेले पर दाल बेचने का काम करता है। कल रात खाना खाने के लिए ढाबे पर जा रहा था, तभी संदीप नामक पुलिसकर्मी मिला, जिसने युवक से शराब की बोतल लाने के लिए कहा, लेकिन पीड़ित बबलू ने मना कर दिया। तो पुलिसकर्मी ने चौकी में ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद चौकी प्रभारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित को थाने बुलाकर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत लिखकर देने को कहा। हालांकि पीड़ित के परिजनों ने मौके पर आकर किसी प्रकार की कार्रवाई न चाहते हुए फैसलानामा लिखकर थाने में दे दिया। इसके बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर उन्होंने चौकी प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दोषी पुलिसकर्मी पर मारपीट के मामले में जांच चल रही है। रास्ते में संदीप खड़ा था और एक लड़का और था, उसकी गाड़ी खड़ी, गाड़ी ठोक के भी आया था वो, दोनों तरफ ठोकी हुई थी गाड़ी उसकी। तो उन्हें कहने लगा मेरे बोतल लेगा यार, 2000 रुपए दे। मैं सर, कौन सर, संदीप ने कहा। संदीप कौन है? संदीप है चौकी वालियन जो बोलते हैं। संपर्क नहीं है ना, मुझे पता है नाम उसका, लिख रहा था। पुलिस में है? हाँ जी, पुलिस में है। तो मैं उससे कह रहा हूँ कहीं के ला के तू नू ला के देती जेल में चूहन नहीं। डरा रहा मतलब कि या तो पैसे देगा या तो बोतल ला के देगा। मैंने उस दौरान में ऐसा नाई करी ना, नाई करने वजह मुझे अंदर ले गया कुंडी बंद करके। एक बंदा और था, उसका मुझे मालूम नहीं कौन था, कोई मुखबर हो कोई भी, मैं नहीं जानता। मुझे तबीयत से आधा घंटा दोनों ने पीटा। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा एक ट्वीट का संज्ञान लिया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि थाना मोदीनगर क्षेत्र में निवाड़ी रोड चौकी पर कार्यरत पुलिसकर्मी संदीप द्वारा उससे शराब की मांग की गई, और जब उसने शराब लाकर नहीं दी तो उसके साथ में मारपीट की गई। इस घटना का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है, और इसमें जांच के आधार पर आगे की वैधानिक और विभागीय कार्रवाई, जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध की जाएगी।